अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है वो साथी कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि रविवार को, यानी दोस्तों कल या परसों से ही रविवार को, जो महिलाएं होती है कभी जो कुवैत में जो महिलाएं हैं जो आर्मी ज्वाइन की थी, तो उन लोगों को काम पर अब रखना स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी उन लोगों को अब काम दिया जाएगा। तो रविवार की यानी संडे से दोस्तों बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको महिलाएं ऑफिसर भी दिखेंगी जो आर्मी के ड्रेस में होंगी और आप लोगों को मदद करेंगी। तो इसका उससे रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि सभी पब्लिकों के उनको उनका भी कॉपरेट करें, जैसे आप जेंट्स लोगों को कॉपरेट करते हैं उस तरह महिलाओं का भी कॉपरेट करें, उनका सम्मान करें। अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको कि लगभग कुवैत में एमओआई की तरफ से बताया गया कि लगभग 72 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया सिक्योरिटी कंप्लेन के कारण सोलबिया इंडस्ट्रियल ऑल और दजीज एरिया में। तो दोस्तों फिलहाल अभी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, काफी दिनों से उन लोगों पे कंप्लेन आ रही थी। तो ये दो इलाकों से दोस्तों कंप्लेन आ रही थी, एक सोलबिया एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से और दलीज एरिया से। तो दोनों जगह से लगभग कुल मिला के 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली जो अपडेट आ रही साथी, अगली अपडेट बताने से पहले यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल। साथियों अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो साथियों आ रही है कुवैत के एमओआई की तरफ से। कुवैत के एमओआई की तरफ से ये ट्वीट करके आज के दिन दोस्तों बताया गया था, लगभग वहां पे एक हफ्ते के अंदर लगभग 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक लगभग 503 एक्सपर्ट्स को, वर्कर को वहां पे पकड़ा गया और लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। वो लोग सभी रेसिडेंट्स वायलेटर थे, यानी वहां पे जो उल्लंघन करता थे। आपको पता ही होगा साथियों वहां की जबरदस्त कैंपेनिंग चलाई जा रही, कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बहुत से लोगों को फाइन भी लगाया जा रहा है, बहुत से लोगों को डिपोर्ट और ब्लैकलिस्टेड भी किया जा रहा है। तो लगभग इस हफ्ते लगभग 7 से 8 दिनों के अंदर 503 लोगों को पकड़ा गया और सभी को वहां पे डिपोर्ट कर दिया गया। तो बिल्कुल आप लोग भी सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलती करें और वहां पे आप पकड़े जाओ फिर आपको डिपोर्ट होना पड़े। अगली खबर साथियों आ रही है वीजा व्यापारियों को लेकर। दोस्तों वहां पे कुवैत में जो है वो वीजा व्यापार काफी ज्यादा होता है, यानी वहां पे एजेंसी द्वारा, एजेंट के द्वारा या फिर कुवैतियों के द्वारा वीजा देकर वहां पे गलत तरीके से लोगों को वहां पे लाया जाता है और लोगों को वहां पे काम करवाया जाता है, खासकर डोमेस्टिक वर्करों को। तो ये सब के लेकर वहां पे कुवैत हुकूमत की तरफ से बोला गया है कि इस पे काफी सख्ती अब दिखाई जाएगी, यदि कोई लोग भी पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत जेल होगा, तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि वीजा व्यापार जो है वो कुवैत में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी वहां पर परेशानियां होती है। खासतौर पर वहां पे जितने भी दोस्तों वहां पे कुवैत में जो लोग वर्कर काम करते हैं, जिसे कम से कम सैलरी दी जाती है उसे ज्यादा सैलरी देने के लालच में लोगों को वहां पे बुलाया जाता है, काम को छुड़वाया जाता है और फिर वहां पे उसको जबरदस्ती वहां पे काम करवाया जाता है। और ये महिलाओं से खासतौर पर इंतजार किया गया है कि डोमेस्टिक वर्कर जो भी महिलाएं हैं वहां पे किसी भी ब्रोकर या एजेंट के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, जहां पे आपको काम दिया गया है, जहां पे आपका वीजा लगा है वहीं पे काम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये सब चक्करों में आप गलत जगह भी पहुंच सकते हैं और आपके साथ गलत काम भी हो सकता है। तो सभी को कहा गया है कि जहां पे आपका काम है वहीं आपको काम करना है। अगली दोस्तों अपडेट बताने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा आपको साथियों की खबर जो आ रही है वो आ रही है कंपनी के द्वारा आ रही है, जो कि अंडे की कंपनी है, जो कि दूसरे देशों से वो अंडे लाकर दूसरों में बेचती थी। तो लगभग कोर्ट के द्वारा उनपे 59,000 कुवैती दिनार तक का उन पर जुर्माना लगाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी, कुछ अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।